खबर हनुमानगढ़ से है, जहां संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व भारतमाला प्रोजेक्ट, कोविड समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बोलते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा कि अधिकारीगण घमंड को ताक पर रखकर लोकल भाषा में आमजन की परिवेदनाओं का शीघ्र निस्तारण करें। आयुक्त मेहरा ने कहा कि आरपीएससी से चयनित होने के बाद आपको जनता की सेवा का मौका मिला है। जिन गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, उनकी आप सुनिए, साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी सम्मान दे। कोई जनप्रतिनिधि आता है और नियमानुसार कार्य नहीं हो सकता तो उन्हें अपने पास बैठा कर नम्रता से बताए, साथ ही उन्हें संबंधित कार्य के प्रति गाइड भी कर दे। सरकार के गुड गवर्नेंस का मैसेज आमजन को और प्रतिनिधियों को जाना चाहिए। बैठक में संभागीय आयुक्त के 60 दिन की ऐतिहासिक नहरबंदी को लेकर कहा कि इस दौरान जिले में पीएचडी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने बेहतरीन समन्वय से बहुत ही अच्छा कार्य किया, आगे भी इस समन्वय को बनाए रखें। साथ ही उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सीएमएचओ और पीएमओ की पूरी टीम के द्वारा किए गए बेहतरीन कार्य को लेकर प्रशंसा की। संभागीय आयुक्त ने कहा कि जिले में एक भी सरकारी कार्यालय प्राइवेट जगह पर नहीं चलाना। कार्यालय को लेकर जिनको भूमि चाहिए वे भूमि आवंटन के प्रस्ताव जल्द से जल्द संबंधित एसडीएम को भिजवाएं। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणा को भी संबंधित विभागों के द्वारा जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मीटिंग में क्या दिशा निर्देश दिए हैं बता दीजिए। हनुमानगढ़ जिले में आज मेरा जो भ्रमण है वो जिला स्तरीय अधिकारियों की समक्ष बैठक लेने का विषय है। जिला स्तरीय अधिकारियों पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों और कोविड 19 की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा भारतमाला परियोजना के जो भूमि आपकी है उस कार्य के प्रगति की समीक्षा भी की गई। प्रमुख के निर्देश ये दिए गए, आम जनता को धैर्यपूर्वक सुनकर के उनके काम समय पर निस्तारित करें और पानी और बिजली है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आवे और बीमारी तक होगा। सर एक नोर बादरा से पानी चोरी को लेकर भी कोई निर्देश दिए? हाँ, उधर भी इनको एसपी साहब को निर्देश कर दिया कि पानी चोरी रोकने की पुख्ता व्यवस्था की जाए और नोर में थाना में शुक्र को आए तो लागू हो जाएगा, चालू हो जाएगा।